हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। और आज के लिए जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जैसे ही आपको पता है, हम हर एक सेशन में हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको आपका वीक चैप्टर पता चल सके और आप उस पर इजिली फोकस कर सकें। जैसे ही एग्जाम पास आएंगे तब हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर देंगे, या फिर जब हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, चैप्टर सारे कवर हो जाएंगे। और बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज हम आज के सेशन पे सारे कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक आज खत्म हो जाए। ठीक है, चले। अब अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए, ताकि जो भी ईएसआई से रिलेटेड हमारी लाइव वीडियोस हैं चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और अगर कोई और एग्जाम से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आती है तो उसकी अपडेट्स भी आप तक पहुंच जाए। अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनुज जिंदल के नाम से चैनल है, वहां पे आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स की भी फैकल्टी वहां पे आपको रिप्लाई करेगी। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से अनुज जिंदल में जाइए और ईएसआई के कोर्स में जाके इनरोल कर लीजिए। वहां पे आपको डिटेल पीडीएफ वीडियोस सब अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आपका पूरा सिलेबस थ्रोली कवर हो जाएगा। चले अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस The drawer and the payee is the same person with reference to bill of exchange. किस केस में हमारा drawer और payee same person होता है जब हम bill of exchange की बात करते हैं? चार options दिए हुए हैं। When the drawer discounts the bill with the bank, when the drawer endorses the bill to the third party, when the drawer holds the bill till date of maturity, when drawee dishonors the bill. इन चारों में से कब हमारा ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन होगा? तो जल्दी से हम सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या था। देखो, याद हो तो हमने किस स्टोरी से याद रखा था कि भाई एक सप्लायर था और एक बायर था। बायर ने सप्लायर से मटेरियल लिया था या स्टॉक लिया था, मटेरियल लिया था क्रेडिट पे लिया कि भाई मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। अब सप्लायर बेचारे को इस बात से नींद ना आई कि भाई वो 3 महीने बाद पैसे देगा भी या नहीं देगा, तो उसने क्या किया, एक कागज लिया और इस कागज पे लिख दिया कि सामने वाला पर्सन, लेट सपोज एक्स, वो मुझे 3 महीने बाद, लेट सपोज 50,000 रुपीज अमाउंट देगा। और इस कागज को भेज दिया बायर के पास ताकि वो साइन कर दे, और वो साइन करके रख ले कि अगर वो 3 महीने बाद पेमेंट ना करे तो वो उसके अगेंस्ट केस कर सके। तो जो पेपर क्रिएट किया सप्लायर ने, इसे हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि हमारा सप्लायर ने क्रिएट किया, फिर हमारे बायर ने उसे साइन कर दिया। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इन पार्टीज को कहते क्या हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारा जिसने बिल क्रिएट किया उसे हम कहते हैं ड्रॉअर, क्योंकि इसने बिल क्रिएट किया है तो ड्रॉअर। और जिसने साइन किया, जैसे जिस केस में हमारा केस में बायर हो गया, तो ये क्या कहलाता है, ड्रॉई। ठीक है, अब सर ड्रॉअर का मतलब तो समझ आ गया, अब ये पेई का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ था कि भाई लेट सपोज हमारा बायर 50,000 रुपीज देगा हमें 3 महीने बाद, हमारा सप्लायर बायर हमें 50,000 रुपीज देगा 3 महीने बाद। लेकिन कहीं ना कहीं 1 महीने बाद ही क्या हुआ कि भाई सप्लायर को किसी अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो गई, उसके पास पैसे की शॉर्टेज हो गई। अब उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके जाए बैंक के पास और बैंक पे जाके बोले कि भाई मेरे को सेम पर्सन ने, भाई बायर ने 3 महीने बाद 50,000 देने हैं, अभी मेरे को पैसे की जरूरत है, अभी आप मुझे दे दो, आप बायर से जाके 3 महीने बाद ले लेना, आप बायर से जाके 3 महीने बाद लेना। ऐसा वो बैंक को कह रहा है। बैंक क्या करेगा, अपने कुछ कमीशन काटने के बाद, लेट सपोज 2,000 रुपीज कमीशन काटी, 4,000 रुपीज, 48,000 रुपीज सप्लायर को दे देगा, और अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, बैंक के पास, और वो 3 महीने बाद जाके बायर से ले लेगा।
पहला ऑप्शन तो ये है सप्लायर के पास। दूसरा क्या कर सकता है कि जिसको उसने पैसे देने हैं, जिस पर्सन को, उसको पैसे देने की बजाय वो उस पर्सन को बिल ऑफ एक्सचेंज ही दे दे कि भाई ये ले, मैंने उस बायर से पैसे लेने हैं, तू ऐसा कर 3 महीने बाद जाके तू ले लियो, ठीक है। तीसरी चीज क्या कर सकता है वो कि वो अपने पास ही बिल को रख सकता है और होल्ड करके रखेगा कि जब तक सप्लायर पेमेंट नहीं करेगा, और मतलब बायर पेमेंट नहीं करेगा तब तक मैं रखूंगा, 3 महीने बाद जाके खुद जाके पेमेंट ले लेगा। अगर उसे इमरजेंसी होगी तो पहले दो किस्त करेगा, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो वो अपने पास होल्ड रखेगा। अभी ने कहते हैं कि जब वो बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है और उससे कैश ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिल को डिस्काउंट करवाना, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब वो किसी थर्ड पर्सन को बिल दे देता है तो उसे क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। तीसरा केस क्या, वो होल्ड करके रखता है बिल को। अब ये पे क्या होता है, जब भी सप्लायर अपना वाला बिल किसी थर्ड पर्सन को दे देता है, अब पेमेंट लेने कौन जाएगा, जब उसने बिल किसी और को दे दिया, अब इस केस में पेमेंट लेने कौन जाएगा, इस केस में पेमेंट लेने थर्ड पर्सन जाएगा। इस थर्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं, इस थर्ड पर्सन को हम कहते हैं पे, मतलब एट एंड जो पेमेंट लेने जा रहा होता है, एट एंड जो पेमेंट लेने जा रहा होता है, जिसके पास एट एंड 3 महीने बाद बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो हमारा कहलाता है पे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, किस केस में ड्रॉअर और पे सेम पर्सन होंगे, ड्रॉअर जिसने बिल बनाया और पे जो बिल लेके जा रहा है, जो बिल लेके जा रहा है एट एंड में पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, अगर ड्रॉअर हमारा उस बिल को होल्ड करे, मतलब किसी थर्ड पर्सन को दे ही ना, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि भाई पे भी वो यही पर्सन है और ड्रॉअर भी यही पर्सन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द ड्रॉअर होल्ड्स द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब ड्रॉअर ने बिल को अपने पास संभाल के रखा, होल्ड करके रखा 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद ही वो खुद पेमेंट लेने जा रहा है बायर के पास, ठीक है। तो इस केस में हमारा ड्रॉअर और पे सेम पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ बिल इज एक्सेप्टेड एंड द पेमेंट इज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द मैच्योरिटी, द डिफरेंस बिटवीन द पेड अमाउंट एंड द बिल अमाउंट विल बी कॉल्ड। अब जैसे अभी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करी, बिल ऑफ एक्सचेंज समझा, अब इस केस में क्या हुआ कि भाई जो हमारा बायर था उसने पेमेंट करनी थी 3 महीने बाद 50,000 रुपीज की, लेकिन कहीं से उस बायर के पास लेट सपोज अमाउंट आ गई 2 महीने बाद ही, और वो सप्लायर के पास जाके कह रहा है कि भाई मेरे पास अभी 45,000 रुपीज पड़े हैं, आप ये 45,000 रुपीज एक्सेप्ट कर लो और बिल को खत्म करो, कि आप ये 45,000 रुपीज एक्सेप्ट करो और बिल को खत्म करो, 3 महीने नहीं, मैं 2 महीने बाद ही पेमेंट कर रहा हूं। देखो एक्चुअली में उसे पेमेंट करने कब आना था, 3 महीने बाद, अभी वो 2 महीने बाद ही आ गया। अब सप्लायर भी भाई एक्सेप्ट कर लेता है कि फ्यूचर में आए ना आए, अभी कैश आ रहा रख लेता हूं, तो एक्चुअल में उसने पेमेंट कितनी करनी थी, 50,000 रुपीज की, लेकिन ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है, याद रखना ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है, तो इस केस में उसे अगर कुछ डिस्काउंट मिलता है, जो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला, क्वेश्चन है इस 5,000 के डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं। अब इस केस में तुमने मेरे मुंह से सुन लिया डिस्काउंट, तो सब टिक मार रहे होगे डिस्काउंट को, है ना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिबेट। हम इस 5,000 रुपीज को रिबेट करते हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है अमाउंट का उसे हम रिबेट कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिबेट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल एट साइट हैज अ ग्रेस पीरियड ऑफ। अब क्वेश्चन देख के दो क्वेश्चन मन में अराइज हो रहे हैं, पहला कि सर ये बिल एट साइट का मतलब क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन सर ये ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है। अब बिल और बिल एट साइट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, अभी हमने बात करी जब बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हुआ था तो हमने उस पर डेट लिखी थी कि इस तारीख को, 3 महीने बाद जो डेट है उस तारीख को आके बायर हमें आके या फिर पे को पेमेंट करेगा, 3 महीने बाद उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट होगी। लेकिन बिल एट साइट का मतलब होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज
जिस पे कोई मैच्योरिटी की पेमेंट डेट नहीं होती, मैच्योरिटी की डेट नहीं होती, जब भी पेई या फिर ड्रॉअर लेके जाएगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉई के पास, उसे तब ही पेमेंट करनी पड़ेगी उस चीज की। मतलब जब बिल लेके जाया जाएगा तब ही पेमेंट करनी है, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, वो होता है हमारा बिल एट साइट। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट किया ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, और जनरली वो ग्रेस पीरियड कितनी होती है, डेज की होती है, 3 डेज की। कि लेट सपोज अभी पिछले वाले केस में मैंने वो बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था 3 महीने का, है ना। जब बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ्स का बनता है उसमें कुछ ग्रेस पीरियड ऐड करी जाती है 3 डेज की, और जो टोटल डेज आ गए, मतलब 3 मंथ हो गया हमारा 60 डेज, तो टोटल 63 डेज बाद हम उससे पेमेंट लेने जाएंगे, जो 63 डेज बाद डेट होगी वो हमारी कहलाएगी ड्यू डेट। ठीक है, ये होता है ग्रेस पीरियड की एक्स्ट्रा 3 दिन देने सामने वाले पर्सन को पेमेंट करने के लिए। अब इनका वर्जन है बिल एट साइट पे ग्रेस पीरियड क्या होता है। जब अभी हमने बिल ऑफ साइट पढ़ा उसका मतलब क्या था कि जब बिल हम लेके जाएंगे तब पेमेंट होगी। अगर ग्रेस पीरियड होगा तो उसमें क्या होगा, वो कहेगा भाई नहीं तुम 3 दिन बाद आना, ये 2 दिन बाद आना, ये 1 दिन बाद आना, तो फिर बिल ऑफ बिल एट साइट का तो कोई मतलब ही ना आना। मतलब बिल एट साइट क्या, जब जाओगे पेमेंट मिलेगी, तो इसमें ग्रेस पीरियड का कोई कंसेप्ट नहीं होता, मतलब ग्रेस पीरियड के कोई डेज नहीं होते। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीस। ठीक है, ग्रेस पीरियड का जहां ऑलरेडी मैच्योरिटी डिफाइंड है, कि लेट्स सपोज 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है तो 3 महीने बाद 3 दिन ऐड कर लेंगे। जब बिल एट साइट है, जब मैंने जाना मिलेगा ही पेमेंट जब हमें मिलेंगे, तो उसमें ग्रेस पीरियड का कोई कंसेप्ट नहीं है, जब जाएंगे तब पेमेंट हमें मिल जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। और नॉर्मल केसेस में हमारा ग्रेस पीरियड क्या रहता है, 3 डेज का। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली बॉर्न बाय। अब क्वेश्चन सेम सर, नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या। अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आपको सारे मतलब पता होंगे, लेकिन अगर नहीं लिए तो नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या है, कि जब मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, जो सप्लायर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, अब होगा क्या, अगर लेट सपोज सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया, तो वो नोटर, हर एक जगह एक नोटर अपॉइंट होता है जिसके पास जाके वो कंप्लेंट कर सकता है कि सामने वाला पर्सन रिफ्यूज कर रहा है। जो वो पर्सन होगा वो लिख देगा कि हाँ भाई ये बिल डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर मतलब सामने वाला कैंसिल कर चुका है। तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली वो नोटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा, या ड्रॉअर करेगा, मतलब जिस जो हमारा सप्लायर हो गया, या ड्रॉई करेगा, और अगर इन केस बिल को इंडोर्स कर दिया गया है, किसी और को दे दिया गया है, तो पे ही करेगा। इस केस में नोटिंग चार्जेस एंड कौन पे करेगा, तो अगर आपको बता दें, देखो अल्टीमेटली पे प्रॉब्लम किसके कारण हुई, इस पर्सन के कारण हुई ना भाई, पैसे इसने देने से नहीं दिए, तो अल्टीमेटली हमारे को जो नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस आया वो किस कारण से आया, इस पर्सन के कारण से आया। कौन है भाई, ये ड्रॉई है, ड्रॉई के कारण आया, तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, ड्रॉई करेगा। और ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नोटिंग चार्जेस किससे लेगा, ड्रॉई से लेगा। तुम कहोगे सर वो ऑलरेडी पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन हम दिखाएंगे तो सही ना कि भाई एंट्री पास करेंगे कि जो हमारे नोटिंग चार्जेस हुए हमें इस पर्सन से लेनी है। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस हमेशा कौन बियर करेगा, ड्रॉई बियर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉई। ठीक है, चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है हमारे। लास्ट क्वेश्चन, अ बिल डेटेड 31st March 2008 is payable 3 months after the date. It is presented on September 2008, accepted by drawing on 3rd September. What will be the due date? देखो ड्यू डेट के कंसेप्ट में तीन चीजें अराइज होती हैं, कि भाई जब मेरे को डेट 3 महीने गिनने हैं, वो जिस दिन बिल बना उस दिन से लेने हैं, जिस दिन मैंने उसे बिल भेजा उस दिन से लेने हैं, या फिर जिस दिन मैंने बिल बनाया, मतलब जिस दिन ड्रॉई ने साइन करे उस बिल पे, एक्सेप्ट करा उस बिल को, उस दिन से लेने। तीन डेट्स हैं हमारे पास, जिस दिन सप्लायर ने बिल बनाया, जिस दिन बिल उसके पास पहुंचा, और जिस दिन उसने बिल साइन किया।
हो भी सकता है ना भाई, कल भी लाया था मैंने परसों, कल भी लाया था मैंने, आज साइन किया, तो ये छोड़ा कि मैं सेम दिन साइन, सेम डे साइन कर दूं। अब पॉसिबल है कि मैं सेम डे साइन भी कर दूं, तो ये 3 डेज बनती हैं। अब वो 3 महीने हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब उस बेसिस पे हमारा इसका रिप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे 3 कंसेप्ट आते हैं। कौन कौन से 3 कंसेप्ट आते हैं? पहला आता है बिल एट साइट, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, फिल आता है बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट, और चौथा आता है हमारा बिल आफ्टर साइट। तीन कंसेप्ट कौन से हैं? बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो बिल एट साइट है वो तो हमारा भी हमने सीखा, बहुत सिंपल सी बात हो गई, जब बिल लेके जाएंगे तब भी वो ड्यू होगा, तो इसमें ड्यू डेट की कसम वो खत्म हो गया कि 3 महीने कब से गिनने हैं। बचे हमारे बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। अगर हमारा बिल आफ्टर डेट है तो जिस दिन बिल ड्रॉ होता है, जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उस दिन से हमारा टाइम काउंट होता है, और बिल आफ्टर साइट में जिस दिन बिल एक्सेप्ट होता है उस दिन से हमारा डेट टाइम स्टार्ट होता है। मतलब अगर बिल आफ्टर डेट है तो इस डेट से हमारा टाइम स्टार्ट होगा, अगर बिल आफ्टर साइट है तो इस दिन से हमारा टाइम स्टार्ट होगा। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि क्या है हमारा, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है आफ्टर डेट। क्या गिवन है? आफ्टर डेट। तो हमारा कहां से स्टार्ट होगा? यहां से हमें 3 महीने गिनने हैं, 3 महीने के बाद 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करना है, और ये 33 डेज, मतलब 93 डेज के बाद हमारा ये हमारा ग्रेस पीरियड आ जाएगा। मतलब इस दिन से 93 डेज बाद हमारा ग्रेस पीरियड आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? December 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8, December 3, 2008। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कहां देना है? कमेंट बॉक्स पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, एक्स इंडोर्स द बिल टू जेड, द पे ऑफ द बिल विल बी। एक्स ने बिल बनाया वाई पे, अब वैसे वाई साइन करेगा फिर एक्स को वापसी करेगा, एक्स ने फिर ये बिल जेड को दे दिया, पे ही कौन है? बहुत सिंपल कंसेप्ट, अगर आपने पूरी वीडियो सही से देखी है, पूरा सेशन सही से देखा है, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, और अगले थर्सडे हम और MCQs के साथ मिलेंगे और एक अलग टॉपिक उठाएंगे और उसके MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आपके मेरे कोई डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स पे या टेलीग्राम बॉक्स पे पूछ लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।